अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आज है और हौसलों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल शिरकत करें और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाल आयोग की पहल शिकायत पेटी पोस्टर का भी विमोचन किया गया है। ममता भूपेश तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। यूनिसेफ के विशेषज्ञ बाल संरक्षण श्री संजय निराला जी से अनुरोध। इसके अलावा बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल शिरकत कर रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का नाम देखिए, हौसलों की उड़ान, यानी कि बच्चियां जो हैं उनके हौसलों पर भरोसा रखिए और उनको विकास के आसमान में उड़ान भरने दीजिए। अवनी लेखरा भी वहां पहुंची हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अवनी लेखरा, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उनकी भी मौजूदगी राजस्थान को गौरवान्वित करती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। इनके अलावा श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली मौजूद हैं, सीएस निरंजन आर्य जी मौजूद हैं। स्वागत की इस श्रृंखला में अब अगला अनुरोध कर रहे हैं श्रीमती वाणी दिनेश जी से, जो संस्था की सदस्य हैं। आप स्वागत करेंगी श्रीमती संगीता बेनीवाल साहिबा का। अध्यक्ष राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पुष्प भावित स्वागत वाणी दिनेश जी के द्वारा। और अब आमंत्रित कर रहे हैं नेटबॉल चैंपियन जो जयपुर से हैं, दीपशिखा कंवर। आप स्वागत करेंगी गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा जी का। सभी मंचस्थ अतिथियों के पुष्प भावित स्वागत के उपरांत कार्यक्रम के संक्षिप्त परिचय के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान विपिन तिवारी जी, सचिव पिंक सिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था। श्री विपिन तिवारी जी। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जी जूली साहब, महिला बाल विकास मंत्री और आज महिला शक्ति की प्रतीक श्री ममता भूपेश जी, श्रीमती ममता भूपेश जी, चीफ सेक्रेटरी साहब निरंजन आर्य साहब, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ बच्चे और लाभार्थी और संस्थाओं के जो प्रतिनिधि आए हैं, सबकी तरफ से मैं आज